हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे एक खूबसूरत सी लटकन। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसे बनाने के लिए मैंने लेफ्ट ओवर फैब्रिक लिए हुए हैं, बचे हुए कपड़ों की कतरन। चलिए इसका मेजरमेंट देखते हैं। इसकी जो विड्थ है गाइस वो है 4.5 इंचेस, यानी कि चौड़ाई, और जो लंबाई है वो 4 इंचेस है। ओके, अब इसे बनाने के लिए हमें डोरी की ज़रूरत होगी, तो डोरी मैंने पहले से बनाई हुई है। अगर आपको डोरी बनाना नहीं आता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप डोरी बनाना सीख सकते हैं। ये फैब्रिक मैंने ले लिया है। ये फैब्रिक की आप देख सकते हैं राइट साइड है। ओके, तो हमें इसकी रॉन्ग साइड ले लेना है। मैंने इसे पलटा लिया है और पलटा कर इस तरीके से हम 1 फोल्ड कर देंगे और नीडल और थ्रेड से इस तरीके से टाँके मारेंगे। आप सिलाई से भी टाँके मार सकती है। मैं इसे नीडल और थ्रेड से ही आपको बता रही हूँ, आप सिलाई मशीन भी यूज़ कर सकती है। इस तरीके से करने के बाद थ्रेड को खींच देंगे और इस तरीके से इसे स्ट्रेट कर देंगे। आप देख सकते हैं रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। ओके, अब राइट साइड अंदर करते हुए इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद में हम इस तरीके से नॉट बांध देंगे। इससे क्या होगा कि खुलेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर भी जैसे हमने रनिंग स्टिच दी उधर, ऐसे ही इधर भी हम रनिंग स्टिच देंगे एंड तक। जिस प्रोसेस में हमने उधर दी थी सेम उसी तरीके से हमें देना है। गाइस ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने ऐसी एक लटकन पहले भी बनाई है, लेकिन एक व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं ऐसी एक और लटकन बनाऊँ लहंगे के लिए, तो मैंने आज की वीडियो बनाई है। अब आप देख सकते हैं इधर हमारा टर्न किया हुआ है, इधर विथआउट टर्न है। तो इधर आपको इस तरीके से फिंगर को डालना है और क्या करना है, इधर भी हमें रनिंग स्टिच देना है। लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों हिस्से हमारी सुई में ना आए, इसीलिए हम फिंगर को अंदर डाल रहे हैं। ओके, ताकि दोनों हिस्से हमारी निडल में ना आए। तो पूरे राउंड राउंड में हमें ये रनिंग स्टिच करनी है। उसके बाद डोरी लेना है और डोरी में एक नॉट बांध देना है। इस तरीके से एक गांठ बांध दीजिए डोरी में। गांठ बांधने के बाद हमें डोरी को अंदर डालना है। इस तरीके से अंदर डालकर हम खींच लेंगे। और अब इससे जो सुई धागे की सुई को मैंने अटका कर ही रखा हुआ है, तोड़ा नहीं है धागे को, तो इस तरीके से खींचेंगे। खींच कर इसे बांध देंगे। इसे देखिए, ये लटकन भी उस तरह की है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अब इसे हम इस तरीके से लेकर एक नोट बांध देंगे। इस तरीके से नोट बांधने के बाद एक्स्ट्रा थ्रेड और डोरी कट कर देंगे। इसे आप लहंगे के लिए यूज़ करें तो बहुत ही सुंदर लगेगी। तो इस तरीके से मैंने इसे सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें फिलिंग करना है। और एक ये डोरी का टुकड़ा कट कर लीजिएगा आप, जो कि आप डोरी बनाएंगे उसमें से हो जाएगा। तो फिलिंग के लिए मैं ले रही हूँ कपड़ों की कतरन। आप चाहे तो कॉटन का भी इस्तेमाल कर सकती है। अब कपड़ों की कतरन को मैं इसके अंदर फिल करूँगी, लेकिन ये डबल रोज होगा। पहले हमने जो लटकन बताई थी वो सिंगल रोज थी। तो एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप लहंगे के लिए इसी तरीके की लॉन्ग लटकन बताइए मुझे, तो आज का वीडियो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर है। अब आपको इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। पहले इसमें हाफ में ही फिलिंग कीजिए, यानी कि आधे में फिलिंग कर कर इसे फोल्ड करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि इस लटकन का सेंटर क्या है, ठीक है। हमें इसका लेंथ वाइज सेंटर पता करना है, क्योंकि हम डबल रोज बनाएंगे। तो देखिए एक लाइन आ गई है, मैंने इसे फोल्ड किया। तो आप चाहे तो उस लाइन पर चौक से मार्किंग कर लीजिए, ताकि आपको आसानी से वो लाइन नज़र आ जाए। अब उस लाइन की जगह ही मैं क्या करूँगी, देखिए ध्यान रखिएगा, अंदर उंगली रखनी है, दोनों हिस्से नहीं सिलने हैं। इस तरीके से मैं राउंड राउंड में, जिसे हमने पहले स्टिच दी थी ना, इसी तरीके से पूरे राउंड राउंड में रनिंग स्टिच दे दूँगी सिंपली इस तरीके से। अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है या आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टा पर पिक सेंड कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से रनिंग स्टिच देते हुए मैं पूरे राउंड में स्टिच कर दूंगी, जैसे हमने पहले किया था। सेम उसी प्रोसेस में हमें स्टिच करना है। और ये जो डोरी का टुकड़ा हमने कट किया हुआ है, इसे आप जो नॉर्मल डोरी बनाते हैं उसी में से कट कर लीजिए। तो डोरी की लेंथ आप थोड़ी सी लॉन्ग रख लीजिए और उसमें से कटिंग कर लीजिए। मैंने डोरी का ही कट किया हुआ है। देखिए इस तरीके से इजीली आपको रनिंग स्टिच दे देना है, छोटे छोटे टाँके मार देना है इसमें, ज़्यादा बड़े नहीं ले आप रनिंग स्टिच। अब हम इसे खींच देंगे इस तरीके से, अच्छे से टाइटली खींच दीजिए। और इसे एक जैसा पढ़ना है आपको, ये बहुत ध्यान रखिए, इसे बिल्कुल इक्वली कर दीजिए। और फिर से हमें खींचना है, ठीक है। इस तरीके से खींच दिया है। अब मैं एक नॉट बांध दूंगी सुई धागे से ही, ताकि क्या होगा कि जो हमने खींचा है ये टाँके फिक्स हो जाएंगे उसी जगह। तो इसी तरीके से मैंने ये बांध दी है नॉट, ठीक है। अब ये हमने जो डोरी का टुकड़ा कट किया था ना, ये लेना है और इसे इस तरीके से ऐसे सेट करना है। चाहे तो आप ये लटकन मशीन से भी बना सकते हैं, लेकिन कई व्यूअर सब्सक्राइबर के पास मशीन अवेलेबल नहीं होती है,
इसीलिए हम सुई धागे से बताते हैं। अब क्या करना है, इस डोरी के दोनों मुँह को अंदर की तरफ डोरी पे ही फोल्ड कर दीजिए अंदर अंदर, ठीक है, ताकि क्या होगा कि इनके धागे नहीं निकलेंगे। तो अंदर अंदर मैंने डोरी के मुँह को फोल्ड करते हुए इसे अच्छे से खींच दिया है, क्योंकि अब हमारी जो हम गांठ बांधेंगे वो लास्ट रहेगी, तो अच्छे से फिनिशिंग देते हुए हमें इसे टाइट कर देना है और अब सिक्योर कर देना है इसे। हम इस पर टांके लगाने के बाद इसे डोरी को टर्न कर देंगे, तो क्या होगा कि हमारी जो राइट साइड है वो बाहर आ जाएगी और रॉन्ग साइड अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में टर्न करने के बाद मैंने देखिए ऊपर की तरफ ले ली है और इसमें भी मैं फीलिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से फीलिंग कर देंगे हम इसके अंदर। तो फीलिंग करने के बाद में जैसे मैंने वो वाली लटकन बताई थी सेम वही प्रोसेस है, बट इसका जो सेंटर का है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, तो लहंगे के लिए लटकन बेस्ट रहेगी। इस तरीके से टांके मारेंगे, आप चाहे तो यहाँ गांठ ना भी बांधे तो भी चलेगा, एंड में भी आप गांठ बांध सकते हैं। मैं एक एक टांका मारना दिखा रही हूँ, लेकिन आप दो दो टांके मारिएगा, वीडियो लंबी हो जाती है इसीलिए मैंने सिर्फ एक एक टांका मारना ही बताई है, लेकिन आप दो से तीन टांके मारिएगा ताकि अच्छे से सिक्योर रहे। उसके बाद इस तरीके से खींच देना है, इस तरीके से खींच देंगे, ओके। खींचने के बाद में हम एक दो टांके और मारेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए और खुले ना, क्योंकि सुई धागे से जो नॉट बांधते खुल जाता है धागा, इसे अच्छे से बांध दीजिए इसे। आप चाहें तो यहाँ बिट्स भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारी लटकन पूरी बनकर रेडी हो गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो आप हमें कमेंट में बता सकती है। ये लहंगे के लिए हमारे व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, तो उसी पर ये लटकन बनाई है। आई होप गाइस आपको ये आइडिया पसंद आया हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में से शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके मुझसे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के और यूनिक चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।